Now, why the Founding Fathers has given more focusing about the equality? Can somebody tell me? No. यदि हम देखें इतिहास के अंदर तो हमने ये पाया कि भैया यदि हम फ्रॉम द मिडाइवल एरा ये देखा जाए तो भैया बहुत सारे टाइप में क्या होने लगे थे, एक तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे. लाइक इन द सेंस इफ वी टॉक अबाउट इन द हिंदूज, ठीक है ना, हिंदूज के अंदर यदि बात करें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास, इस टाइप ऑफ बेसिकली क्या थे, वर्ण थे. ये चार वर्ण ऑन द बेसिस ऑफ वर्ग क्या थे, बनाए गए थे. जब एंशियंट एरा गया, वैदिक एरा आया, वैदिक एरा के बाद जब वैदिक एरा के अंदर जब एंशियंट एरा था, ठीक है ना, सॉरी यार, एंशियंट एरा के अंदर वैदिक एरा था, तो उसके बाद आपके मौर्यंस आए, मौर्यंस के बाद गुप्ता आए, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था. बट जैसे मिडाइवल का टाइम आता है तो होता क्या है, इन सारी कम्युनिटीज के बीच एक तरीके से क्या हो जाता है, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं. लाइक इन द सेंस ब्राह्मण अपने आप को ये सोचते थे कि भैया हम क्या सुपर डोमिनेंट है, क्योंकि इन द हिंदुइज्म द ऑल वर्णास आर डिस्क्राइब लाइक दैट, ब्राह्मण्स आर कमिंग फ्रॉम द हेड ऑफ द ब्रह्मा, क्षत्रियास हैज कम फ्रॉम द शोल्डर्स ऑफ द ब्रह्मा, वैश्यास हैज कम फ्रॉम द कमर को क्या बोलते हैं, फ्रॉम द ब्रिस्ट ऑफ द ब्रह्मा, एंड द शूद्रास हैज कम फ्रॉम द लेग्स ऑफ द ब्रह्मा, ठीक है ना. तो भैया सबसे निचले कौन हो गए, शूद्रास हो गया, एंड द डोमिनेंट वन कौन हो गया, ब्राह्मण हो गया. तो यहाँ से बच्चा लोग क्या होता है, जैसे मिडाइवल आपका चालू होता है तो यहाँ से भैया डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मणिज्म क्या होता है, इंक्रीज होता है. फिर आते आते क्या होता है, क्षत्रियास भी इंक्रीज होते हैं. तो इसका लेने के नेगेटिव इम्प्लीकेशन क्या होता है, नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये होता है कि भैया जो आपकी अदर कम्युनिटीज होती है शूद्रास की, उनके राइट्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वायलेट होते हैं. तो इसी का फलाना झुकाना देखते हुए जब हम कहां पे पहुंचते हैं, 16 टू 17 सेंचुरी के अंदर पहुंचते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं, कोई वैसे किसी को तो होता नहीं है ना, आ गया वो. तो भैया इतिहास के अंदर देखें जब हम आगे आते हैं तो हम क्या देखते हैं, भैया शूद्रास के सामने एक तरीके से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गंदा व्यवहार करने लग गए थे, ठीक है ना. बेसिकली शूद्रास को हम एक तरीके से नीच मान लेते हैं. आज भी बेसिकली यदि हम गांव जाएं तो गांव के अंदर हम यही देखते हैं कि भैया ब्राह्मण अलग खाते हैं, शूद्रास अलग खाते हैं, वैश्यास अलग खाते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द लोकलाइज एरिया इन द यूपी, इन द बिहार, इन द महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर भी होता है, तो बच्चा ये जो डिफरेंस होता है ना, एक तरीके से क्या कर देता है, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में बहुत बड़ा एक हर्डल उत्पन्न कर देता है. क्यों? क्योंकि भैया कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा, कंट्री का डेवलपमेंट तब होगा जब सारे लोगों का क्या होगा, विकास होगा. अब आप एक कम्युनिटी का विकास करोगे और दूसरी कम्युनिटी क्या होगी, पीछे होगी, तो एक तरीके से बैलेंस क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा. और वो डिसबैलेंस एक तरीके से डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के पर्पस में क्या हो जाता है, एक तरीके से नगण्य के बराबर हो जाता है. और कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो एक तरीके से क्या हो जाता है, रुक जाता है. तो बाद में जैसे हमारा इंडिपेंडेंस एरा चला, तो उस इंडिपेंडेंस एरा के अंदर जो भीमराव अंबेडकर थे, ही बिलोंग फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, तो इन्होंने बेसिकली क्या देखा कि ये जो बेसिकली एक तरीके से क्या है, बहुत ज्यादा डिसबैलेंसमेंट है. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी कम्युनिटीज के लोग ज्यादा एक तरीके से क्या कर, एक तरीके से इनके इक्वलाइज अपने आप को ला नहीं पा रहे. तो हुआ क्या, जब भैया ये अपनी एजुकेशन ले रहे थे तो इन्होंने बहुत सारे डिफरेंसेस झेले, बहुत सारे ब्राह्मण अत्याचार झेले, यहाँ तक कि भैया इनके जो गांव थे, गांव का बेसिकली जो तालाब था, उन तालाबों के ऊपर ब्राह्मण ने कब्जा कर लिया था. तो भैया इनके गांव के लोग प्यास भी मरते थे. फिर जैसे ये बाहर गए तो भैया बाहर जाने के बाद जो विदेशी थे, विदेशी भी बेसिकली जानते थे कि इंडिया के अंदर क्या एक तरीके से है ना, कास्टिज्म है. तो उस कास्टिज्म का फायदा उठाकर जो बेसिकली भीमराव अम्बेडकर थे, उनको एक तरीके से अलग रखते थे, ठीक है, अलग इन द सेंस के साथ. अरे मेरे को याद नहीं है, हाँ कहाँ था मैं, हाँ भीमराव अम्बेडकर को अलग रखते थे. जैसे कि खाने का हो गया तो उनके खाने की मेज पे ना उनके खाने में कुछ ऐसा डाल दिया कि इस तरीके से क्या उनको एक तरीके से जलील होने की फीलिंग आए. तो भैया इसी के कारण क्या होता है, भैया जब 1932 आता है तो ये अपने लिए एक तरीके से सेपरेट एक तरीके से क्या निवारण कर लेते हैं कि भैया हमें अलग क्या करते, रिजर्वेशन दे दो. बट गांधी जी जो होते हैं उसको बोल देते कि नहीं यार रिजर्वेशन मत करो, क्योंकि यार यदि रिजर्वेशन के लिए तुमने कर लिया तो वापस से कंट्री का एक तरीके से डिवाइडेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. तो वहां से भीमराव अम्बेडकर जो होते हैं ना, वो एक तरीके से क्या होते हैं, इंडियन नेशनल फ्रीडम के अंदर जुड़ते हैं. जब जुड़ते हैं तो भैया वहां से बहुत सारी चीजें करते हैं. उसके बाद 1946 के अंदर मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग स्टार्ट होती है. और कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग के अंदर भीमराव अम्बेडकर आपको कौन होते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के सबसे बड़े अध्यक्ष होते हैं. उन्होंने बचपन से लेकर अभी तक जितना उन्होंने 1946 का ईयर अपना क्या किया बिताया, तो उस ईयर के अंदर उन्होंने क्या पाया कि कंट्री के अंदर भैया इक्वलिटी की क्या बहुत ज्यादा डिमांड है, क्या है, समानता की बहुत ज्यादा क्या डिमांड है. यदि समानता नहीं होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा. कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है आने वाले फ्यूचर आउटकम्स के अंदर कंट्री जो होगा बहुत सारे भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना. तो इफ यू टेक द एग्जांपल लाइक इन द सेंस, जैसे कि गांवों के अंदर एक तरीके से गांवों के अंदर देखा जाए तो कम्युनिटीज क्या होती है, डिवाइडेड होती है.
जैसे कि ब्राह्मण्स होते हैं, ब्राह्मण्स यदि कहीं खाना खा रहे होंगे तो भैया कोई भी शूद्र या कोई भी बेसिकली वैश्य जो होगा वो कभी भी वहां खाने पर बैठ नहीं सकता है। देखा है सर, टी को हटाने के लिए हमारे कंट्री के अंदर क्या किया गया, बच्चों लोग राइट टू इक्वालिटी दिया गया, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी दिया गया। ये होगा भैया पहला पर्पस। सेकंड पर्पस क्या, ये सुनो, जब भैया ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर थे, ये तो हमने अपने इंटरनल लेवल पे बात कर ली, इंटरनल लेवल पे इक्वालिटी की जरूरत क्यों पड़ी। अब एक तरीके से हम बात करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इक्वालिटी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ये देखो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे तो ब्रिटिशर्स इंडिया इंडियंस के साथ एक तरीके से रेसिज्म करते थे। क्या करते थे, रेसिज्म बोले तो रंग पे ना, रंग पे भेदभाव करते थे। बिकॉज अब जो लोग थे, कौन से आपके ब्रिटिशर्स थे, वो क्या समझते थे कि जो गोरे होते हैं वही इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या हुई, अनइक्वलिटी हो गई, हुई कि नहीं, अनइक्वलिटी हुई ना। काले लोग क्या बेवकूफ होते हैं, सकल से सकल भले ही काली हो तो उसका मतलब ये थोड़ी ना बेवकूफ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनके उनको ज्ञान नहीं, उनके पास नॉलेज नहीं है। तो भैया इस डिसबैलेंस को भी खत्म करना था और एक इंटरनेशनल कम्युनिटीज के अंदर मैसेज देना था। तो राइट्स टू इक्वालिटी को क्या किया गया, एक तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाला गया। तो इसी फंडामेंटल राइट्स के अंदर बच्चा लोग आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या है भैया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब क्या कि न्याय के समरूप सभी क्या है, बराबर है। न्याय के समरूप क्या है, सभी के सभी बराबर है। न्याय से ऊपर, सॉरी न्याय, सॉरी नहीं, समानता के लॉ के समरूप सभी क्या है, समान है, ठीक है ना। लॉ के समरूप सभी क्या है, समान है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जब भी अपना डिसीजन देगा तो सबको समानता के रूप में देगा, ठीक है ना। भले ही एक ब्राह्मण ने क्राइम किया हो तो उसको भी सजा मिलेगी, भले ही आपके शूद्र ने क्राइम किया है, क्राइम किया उसको भी सजा मिलेगी। तो इस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर इक्वेलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के समरूप रखा गया ताकि भैया सबके अंदर क्या रहे, समानता रहे, ठीक है ना। तो ये है बच्चा लोग इक्वेलिटी बिफोर लॉ, मतलब क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन के समक्ष सभी के सभी क्या है, समान है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के समक्ष क्यों, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमारी कंट्री को क्या करती है, रेगुलेट करती है। रेगुलेट समझते हो ना, क्या अली है, ठीक है ना। तो भैया प्रॉपर रेगुलेशन के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और भैया उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी को सभी के इक्वल करके क्या रखा, सभी को इक्वल करके रखा। क्यों, क्योंकि भैया यदि अनइक्वलिटी क्रिएट हो गई तो कंट्री चलो एस्टेब्लिश हो जाती है। अब ना इसके अंदर क्या है, सुनो, इसके अंदर एक एक्सेप्शन रखा गया है। क्या एक्सेप्शन रखा गया वो पहले बता देता हूँ, ठीक है, कि भैया जो आपके बेसिकली कौन है बच्चा लोग, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये तो जानते ही हो, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो है इनको भैया इस इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर इक्वल नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यदि सपोज समझो प्रेसिडेंट ने क्राइम कर दिया, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है ना। तो बच्चा जब तक वो बंदा प्रेसिडेंट है, 5 साल का प्रेसिडेंट रहेगा, तब तक उसके ऊपर किसी भी तरीके का केस नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इस रूल का तो वायलेशन हो रहा है, क्योंकि भैया किसी ने क्राइम किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे तो प्रेसिडेंट ने किया है, बट ऑन द नेसेसिटीज ऑफ कंट्री, और भैया कंट्री की एक तरीके से सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि भैया प्रेसिडेंट जो होती है हाईएस्ट पोजीशन ऑफ कंट्री है, ठीक है ना। गवर्नर जो है हाईएस्ट पोजीशन ऑफ स्टेट है, क्योंकि भैया गवर्नर एक तरीके से क्या करता है, स्टेट को पूरा रेगुलेट करता है। प्रेसिडेंट जो है बेसिकली क्या करता है, कंट्री को रेगुलेट करता है। तो भैया इन हाईएस्ट पोजीशन को एक तरीके से पावर दे रखी है। अब यदि बाय चांस तुम एक तरीके से क्या करोगे, इन हाईएस्ट पोजीशन पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि किसी भी तरीके का क्राइम कर देता है तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भैया यदि तुमने उसको उठा लिया तो भैया उसके डिसीजन पावर कौन लेगा, उस जगह पे बैठा हुआ जो गंदा था, अब वो तो सीट खाली हो गई तो उसके बेसिकली डिसीजन पावर कौन लेगा। अब एक प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए नियर अबाउट 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। तो बच्चा ये सब कचरा वचरा एक तरीके से क्या होता है, बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो जाए। तो इसी के लिए क्या किया गया कि जो आपके प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है इनको बोल दिया गया कि भैया इनको छोड़ के जितने भी सबके सब है, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, क्या है, न्याय के समूह सभी क्या है, बराबर है, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर का केस सुना देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर का केस सुनना है तो भैया श्रीमती इंदिरा गांधी का सुन लो। श्रीमती इंदिरा गांधी को जानते हो, 1974 के अंदर जब सबसे पहली इमरजेंसी लगी थी, ठीक है ना। तो भैया वहां पे इन्होंने एक तरीके से क्या कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स का जो फर्स्ट वाला था, राइट्स टू इक्वालिटी, इसका एक तरीके से वायलेशन किया था। तो इसके समरूप उनके ऊपर भी क्या हुआ था, पनिशमेंट लगी थी उनको, ठीक है। तो याद रखना बस तुम्हारे काम का कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या है, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के समरूप सभी क्या है, बराबर है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को छोड़ दें, क्योंकि भैया ये क्या है, कंट्री की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, एट स्टेट की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, थोड़ी अच्छी है। यदि हमने इनके ऊपर यदि ऑन द ग्राउंड उस वक्त यदि केस कर दिया तो भैया एक तरीके से ना एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के अंदर हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी,
तो इसी चीज से बचने के लिए क्या कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर को क्या कर दिया, एक्सेप्शन में डाल दिया। बट जैसे ये 5 साल बाद क्या होंगे, नॉर्मलाइज होंगे, तो बाद जो केस इनके ऊपर उस टाइम पे लगा था वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्री फोल्डिंग राइट फोर लॉ, समझ में आ गया? हाँ बेटा, यही तो मैं कह रहा हूँ, सुनो, इक्वालिटी बिफोर लॉ बनाया क्यों गया था? असमानता की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि भैया असमानता है समाज के अंदर, है ना? Yes, अब उस असमानता को खत्म करने के लिए आपके पास नियम होना चाहिए। अब इंडिया के पर्पस पे बात करें तो अभी तक तो पूरी तरीके से समानता 100% है नहीं, गांव में अनइक्वलिटी तो है ना, तो उसको रिड्यूस करने के लिए तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन, जैसे कि क्या हो गया आपका एजुकेशन के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर ब्राह्मण जितने भी अदर अदर कम्युनिटीज के बच्चे को साथ में मिलकर पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो इस डिफरेंस को एक तरीके से क्या करिए, खत्म करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि SC and ST कास्ट का रिजर्वेशन उनको उनके बराबर ला रही है, तो ये गवर्नमेंट क्या लगी स्टेप्स ले रही है ताकि क्या हो, अनइक्वलिटी खत्म होकर इक्वलिटी आए। ठीक है, और कुछ जो इसके अंदर ही कम है वो है इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, वेरी तेज लग रहा हो तो बता देना फिर। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, देखो भैया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? जो संविधान है उस संविधान ने भैया क्या सबको एक तरीके से क्या दिए, राइट्स दिए हुए, ठीक है ना? अब यदि कोई बंदा उस राइट्स का एक तरीके से क्या करता है, हनन करता है, किसी और का राइट्स का क्या करता है, हनन करता है, जैसे कि सपोज खड़े होना, सपोज समझना, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज ये जो है बेसिकली इसका फादर है, ठीक है ना? अरे यार, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या करता है, अपने बच्चे के ऊपर एक तरीके से क्या करता है, डोमेस्टिक अब्यूज करता है। डोमेस्टिक अब्यूज मतलब क्या, मारना पीटना करता है, ठीक है ना, बच्चे के साथ गलत बर्ताव करता है। तो इससे तो भैया बच्ची के राइट्स का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। बच्ची के राइट्स क्या है कि भैया उसको भी जीने का हक है, तो भैया इसके पापा इसको जीने नहीं दे रहे। तो भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने बेसिकली क्या कहा कि भैया इंडिया के अंदर जितने भी सिटीजन हैं उनको जो जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों की रक्षा करने का जो कर्तव्य है वो किसका है, हमारा है, हमारा इन द सेंस किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ये कहता है कि यदि किसी भी सिटीजन का क्या होता है, राइट वॉयलेट होता है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा, संविधान करेगा। अब संविधान किसे करेगा, संविधान ने भैया आपकी बेसिकली क्या बना के रखी है, एक तरीके से एक बॉडी बना के रखी जिसका नाम क्या है, जुडिशरी। जुडिशरी है, जुडिशरी के अंदर भैया बेसिकली क्या है, आपके कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके ये कोर्ट्स होते हैं दे आर द, ये बेसिकली आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि भैया गवर्नमेंट क्या करती है, रूल करती है, और उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग जो रूल गवर्नमेंट बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बने या ना बने, ये बेसिकली काम को चेक करता है, जुडिशरी चेक करती है। तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये ना कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से पूरा प्रोटेक्शन कौन देती है, जुडिशरी देती है। यदि गवर्नमेंट किसी भी तरीके का रूल बनाती है या फिर कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा सिटीजन किसी दूसरे के बेसिकली क्या करता है, राइट्स का हनन करता है, तो भैया उसके ऊपर एक्शन कौन लेती है, जुडिशरी लेती है। समझ लिए, ठीक है? ठीक है, हाँ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्लियर है? समझ लिए, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ के तो पूरी क्या नाली याद आ जाती है। अब हमने पहले आर्टिकल के अंदर देखा इक्वलिटी बिफोर लॉ, भैया वो दिमाग। अब आर्टिकल 15 के अंदर क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब भैया सुनो, इस तरीके से हमने देखा कि इंडिया के अंदर अनइक्वलिटी है, असमानता है, उस अनइक्वलिटी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके से प्रोग्राम्स बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है ना, जैसे कि एग्जांपल लें, लड़का और लड़की के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्या असमानता है, जैसे कि लड़के को पढ़ाने का घर वाले बोलते हैं पर लड़कियों को नहीं, है कि नहीं? लॉजिक बोल रहा हूँ? तो भैया इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, ठीक है ना, लड़कियों को बेसिकली RTI के अंदर डाला,
डाला ना, ताकि नहीं हुआ क्या उत्थान हो। तो भैया जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो पॉलिसीज के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली क्या है, सार है, मतलब क्या, जो बेसिकली मौलिक अधिकार के अंदर जो मेन मेन चीजें हैं, उन मेन मेन चीजों के अंदर ही उसको क्या करना रहता है बच्चा लोग, अपना रूल बनाना होता है, अपना कोई नया प्रोग्राम क्या होता है बनाना होता है। यदि वो उस सार के अंदर या फिर उस रूल के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम नहीं बनाती है तो फिर जुडिशरी क्या करती है, उसके ऊपर पहली निगाहों से नजर रखती है, और यदि जुडिशरी पकड़ लेती है तो जुडिशरी उस चीज को क्या कर देती है, नल एंड वॉइड कर डिक्लेयर कर देती है। तो इसी के लिए बच्चा क्या होता है कि भैया जब गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाए, ठीक है ना, गवर्नमेंट क्या करे प्रोग्राम बनाए, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कुछ फैक्टर्स बता दिए कि भैया इस फैक्टर के बेसिस पे आपको प्रोग्राम बिल्कुल नहीं बनाना, ठीक है ना, इस फैक्टर के बेसिस पे आपको प्रोग्राम बिल्कुल नहीं बनाना है। यदि आपने इस फैक्टर के बेसिस पे क्या किया, प्रोग्राम बनाया, ठीक है ना, प्रोग्राम किसके लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल और फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी, तो भैया एक तरीके से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट आएगी और आपके जो भी बेसिकली क्या लॉ है उसको एक तरीके से क्या कर देगी, नल एंड वॉइड कर देगी, मतलब क्या, नलीफाई कर देगी। तो भैया ये कौन सी चीजें हैं, ये कौन से ग्राउंड है, ये बेसिकली आपके ग्राउंड कौन से हैं, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये बेसिकली क्या है बच्चा लोग, एक तरीके से आपके वो ग्राउंड है जिनके बेसिस पे आपके बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, जो रूल बनाएगी वो इन ग्राउंड के बेसिस पे बना नहीं सकती है, ठीक है ना। इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन भी डिस्कस करेंगे। तो भैया रेस क्यों, क्योंकि देखो यदि सपोज समझो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बना दिया एजुकेशन के अंदर कि भैया गोरे लोग जो है उन्हीं को शिक्षा देंगे और काले लोग को शिक्षा नहीं देंगे, तो फिर इससे क्या होगा, क्या होगा, अनइक्वलिटी बढ़ेगी, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो भैया जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट सीधा डंडा लेकर बोलेगा अरे बंद करो इसको, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर जो भी तुमने क्या नियम वियम बनाया इसको बंद करो और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज लिखी है उसी का क्या करो, पालन करो, ठीक है। तो ये भैया यदि रेस के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, एक तरीके से कुछ भी लॉ बना दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया, जैसे कि गोरे लोग जो होंगे उनके खाते में 10,000 रुपए हमेशा महीने भर महीने आएंगे और काले लोग के ना अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, तो ये तो ना हिसाबी हो गई ना, है कि नहीं। जैसे कि कोविड के टाइम पे हर जितने भी बेसिकली क्या थे बैंक अकाउंट से उनके अंदर 1500-1500 आए थे, इसी के अंदर यदि बेसिकली गवर्नमेंट कर देती कि भैया काले लोग के पास एक तरीके से पैसे नहीं आते तो फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम था ना वो, तो उसका बेसिकली क्या मतलब होता कि एक तरीके से इसने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है, संविधान का एक तरीके से उल्लंघन किया है। तो भैया संविधान का उल्लंघन ना हो इसलिए संविधान ने पहले एक तरीके से क्लियर कर दिया कि चलो तुम लोग इस बेसिस फैक्टर पे तो किसी भी तरीके का प्रोग्राम बनाना मत और किसी भी तरीके का नियम बनाना मत। तो इसी के अंदर सबसे पहला फैक्टर रेस है, रेस समझ में आ गया। सेकंड वन इज द रिलीजन, रिलीजन मतलब क्या, धर्म। अब भैया सपोज गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया कि भैया एक तरीके से क्या है कि जैसे ही बच्चा कॉलेज जाएगा तो भैया मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे होंगे उनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा और हिंदू कम्युनिटी के बच्चे को कंटिन्यूस पढ़ने दिया जाएगा, तो इससे क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशन होगा, अनइक्वलिटी क्रिएट होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा अनइक्वलिटी क्रिएट होने से, वॉयलेंस क्रिएट होगा। तुम लोग सोच नहीं पा रहे हो क्या, और कंट्री के डेवलपमेंट में रुकावट आएगा, है कि नहीं। तो भैया इसलिए याद रखना कि ऑन द बेसिस फैक्टर ऑफ द रिलीजन यदि गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाती है, यदि वो प्रोग्राम ऑन द बेसिस फैक्टर ऑफ रिलीजन होता है तो भैया गवर्नमेंट एक तरीके से क्या कर देती है, सॉरी आपकी जो एक तरीके से क्या है सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है वो उसको नल एंड वॉइड कर देती है कि भैया यदि आपने ऑन द बेसिस फैक्टर ऑफ रिलीजन अनइक्वलिटी क्रिएट करने की कोशिश करी तो इससे क्या होगा, ये तो बेसिकली संविधान के अंदर संविधान का उल्लंघन होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से क्या कर देती है, इसको नल एंड वॉइड क्या कर देती है, डिक्लेयर कर देती है, समझ में आ गया। अब जैसे तीसरा फैक्टर कास्ट, कास्ट का भी समझ जाओगे, कास्ट क्यों होगा, क्योंकि सपोज समझो ब्राह्मण्स हो गए, ब्राह्मण्स को ही बोला कि आप आज से क्या हो हर गवर्नमेंट हर जगह पे आप ही आप छा जाओ, ठीक है ना, हर नौकरी के अंदर हम क्या करेंगे सारे के सारे अपर कास्ट के लोगों को रखेंगे, लोअर कास्ट के लोगों को रखेंगे नहीं, तो इससे ऑब्वियसली बात है अनइक्वलिटी क्रिएट होगी, अनइक्वलिटी क्रिएट होगी तो भैया एक तरीके से क्या होगा, डेवलपमेंट रुकेगा। तो इसी बेसिस फैक्टर पे क्या किया गया कि भैया ये बोल दिया गया कि आप कास्ट के फैक्टर में तो बिल्कुल नहीं एक तरीके से अनइक्वलिटी कर सकते हो, ठीक है ना, कास्ट के फैक्टर का किसी भी तरीके का प्रोग्राम नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। फिर थर्ड वन इज द सेक्स, अब सेक्स एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से तुम्हारे लिए एक तरीके से डिबेटेबल टॉपिक होगा, देखो कैसे लड़का लड़की के अंदर किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, बट वो जो सर लड़के को तो ज्यादा सुविधा मिलती है लड़कों को नहीं, ये भी सही बात है, है कि नहीं, है ना, लगाओ लड़कियों को पहले जब तुम्हारे चचा लोग परदादा के चचा जो लोग रहते थे तो
उन्होंने लड़कियों के अधिकारों को कितना हनन किया है ये नहीं मालूम मालूम है ना। तो लड़कियों को ऊपर उठाने के लिए तो प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। yes, sir. तो भैया इसी के लिए क्या होते हैं, गवर्नमेंट जब सेक्स फैक्टर में बनाती है प्रोग्राम, तो भैया उस प्रोग्राम की पूरी एक तरीके से निरीक्षण होती है ताकि लड़कियों का क्या एक तरीके से उत्थान हो। अब जैसे की बात करें जो आपके बेसिकली कौन हो गए, दिल्ली कौन कौन गया मेट्रोस के अंदर, बस बोगी होती है रिजर्व होती है इसके लिए, लेडीज के लिए। ट्रेन के अंदर भी रिजर्व होती है, होती है ना। यहाँ चलो ट्रेन के अंदर भी रिजर्वेशन होता है, ठीक है ना। अब यदि तुम्हारी बच्चे ना हो, यदि तुम ब्रॉड वयस्क जाके उस डिपो में बैठ जाओ, ठीक है, एक तो सैंडल पड़ेंगे सो अलग, ऊपर से आरबीएस। अब वो डिब्बा क्यों बनाया गया, क्योंकि देखो जब महिलाएं बाहर जाती है तो ना जाने कितने कितने प्रकार के लोग है ना गलत गलत निगाहों से देखते हैं। फीमेल रेप किससे ज्यादा एक तरीके से क्रिएट होता है, बच्चों को उठा लिया जाता है, ठीक है ना। तो भैया उनके प्रोटेक्शन के लिए तो उनको एक तरीके से सेफर डब्बा दे दिया कि आप इसी से क्या करें जर्नी पर, फीमेल अनकंफर्टेबल ना हो, क्योंकि भैया फ्रीडम, फीमेल को भी तो एक तरीके से क्या फ्रीडम मिलनी चाहिए ना। और इंडियन जैसी पेट्रियार्कल फैमिली के अंदर फ्रीडम को एक तरीके से फ्रीडम मिलती कहां, सॉरी फीमेल को फ्रीडम मिलती कहां, एग्जाम्पल के अंदर योर मदर। आज तक मुझे बताओ तुम्हारी मम्मी जो है उन्होंने कब बाहर जाके ज्यादा घूमा है, किसी की मम्मी ने ज्यादा घूमा है, हमेशा घर के काम में व्यस्त रहती है। तो एक तरीके से तुम अपनी मम्मी का एक तरीके से रूल क्या करते हो, वॉलेट करते हो, है कि नहीं। बट ये जो है ये एक तरीके से है ना हम कंसिडरेबल नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमारे ना सदियों से चलती आ रही है। तो उसी चीज को हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, इन फैक्टर के ऊपर एक तरीके से क्या किया, जोड़ दिया कि भैया इन फैक्टर के ऊपर आप किसी भी तरीके का अनइक्वलिटी क्रिएट नहीं कर सकते हो। एक होने भैया घर गया, अब प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब क्या कि भैया जहाँ पे किसी पर्सन का जन्म हुआ है उसके बेसिस पर अनइक्वलिटी करना, ठीक है। जैसे कि ये बिहार का है, ठीक है ना, और ये बिहार की है, ठीक है ना, मैं बिहार का हूँ, ठीक है, ये एमपी का है, तुमने इसको चार चनकट मारे क्योंकि एमपी में पैदा हुआ है। मैंने इससे क्या कही, गदाम माली करवाए, क्यों, क्योंकि एमपी में पैदा हुआ है, ठीक है ना। मैंने इसको ऊपर इतना होमवर्क दे दिया, इतना होमवर्क दे दिया कि ये ना कुमार खाड़ी जाने के लिए तैयार हो गया, क्यों, क्योंकि क्यों, हमने बात कर ली तुम्हें समझाने के लिए। तो भैया इस चीज के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले कह दिया कि भैया प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे तो अनइक्वलिटी करना मत, ठीक है ना। सेकेंड रीजन, जब आपके ब्रिटिशर्स थे इंडिया के अंदर तो भैया वो इंडियंस को ऑन द फैक्टर ऑफ द रेस करते थे डिस्क्रिमिनेट, और साथ ही साथ ऑन द फैक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ। कैसे, क्योंकि भैया जो इंडिया के अंदर जिसका जन्म होगा, ठीक है ना, इंडिया के अंदर जिसका जन्म होगा ऑब्वियसली बात है वो काला होगा, हिली एरियाज को छोड़ दो, ठीक है, हिली एरियाज को छोड़ गए, काला होगा, तो वहां पर भी तो प्लेस ऑफ बर्थ जो एक फैक्टर आ गया, उस प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे रेसिज्म क्रिएट हुआ, उस रेसिज्म ने क्या किया, अनइक्वलिटी को जन्म दिया। तो इस तरीके से अनइक्वलिटी क्या होती है बच्चा लोग, किसी भी कंट्री डेवलपमेंट में बहुत बड़ी हर्डल होती है। तो इसी को हटाने के लिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, इक्वलिटी के बेसिस क्या करते, डिफाइन कर दिए। समझ में आ गया, लोग ये बात किसकी करता है, ये अंडरलाइन करना ऑफिस के अंदर, अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी की और नौकरी की, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी ये मेन वर्ड है। अच्छा ये जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 16, ये किसके रिलेटेड बात करता है, आपके अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज बोले तो क्या अधिकार, अरे वो अधिकार नहीं है, जॉब्स के रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे कि देखो करी लड़की ने भी पढ़ाई करी, ठीक है, अब दोनों गए रोलिंग मिल में, ठीक है ना, साथ साथ हम साथ साथ हैं, भेज रहे हैं, ठीक है, रोलिंग मिल जानते हो, जानते हो ना, शरीर बनता है, मस्त गर्मा गर्म शरीर जल के आग में जाता है, ठीक है ना। अब दो लड़का लड़की गए, ठीक है ना, दसवीं क्या बोलते हैं, बारहवीं पास, दसवीं फेल, ये गए गए वहां पे, सुनो किसके लिए, काम के लिए, ठीक है ना। अब लड़का लड़की इनके से मजदूर गए, ठीक है ना, हमारे में से तुम में से किसी को सेठ बना देता हूँ, ये रिक्वायरमेंट है। अब मुझे ये बताओ लड़का लड़की ये दोनों गए, दोनों एक ही चीज डिमांड करे हमें क्या कर दो, जॉब दे दो, तो तुम किसको प्रिफर करोगे, रोलिंग मिल में लड़की को या लड़के को, क्यों करोगे ये बताओ, लड़के में चलो ठीक है, ये मतलब मेरे स्ट्रक्चर तुमने एक तरीके से ले लिया। सेकंड, एक लड़की को तुमने ले लिया, लड़की बेचारी क्या हुई, रो गई, फिर एक उसको लड़का मिला, ठीक है ना, वो लड़की को भी क्या हुआ, उसको भी जॉब चाहिए, लड़की को भी जॉब चाहिए, अभी दोनों काम है मैनेजिंग में गए, मैनेजर में गए, ठीक है ना।
अब मैनेजर बेसिकली कौन, ये हमारा, ठीक है। अब ये बच्चे बेसिकली क्या है, लड़कियों तो सक्कर नफरत है, बजट दल का नेता है, नफरत है, जाकर सब कुछ खुले कर देता है। अब इसके पास क्या हुए, ये दो कैंडिडेट्स हैं। अब जब ये दो कैंडिडेट्स गए तो भैया उन्होंने बोला कि हमें क्या चाहिए, जॉब चाहिए। तो भैया ये किसको चेक करेगा, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटीज के अंदर हम जॉब से रिलेटेड बात करें तो भैया लड़कियों को ज्यादा जॉब दी नहीं जाती थी, जैसे कि लड़कियों को आज भी बाहर काम करने नहीं दिया जाता है कि नहीं? यस सर, सही बोल रहा हूँ। yes, रात भी तो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको जॉब नहीं करने दे रहे हैं, है कि नहीं? yes, करते हैं ना। तो भैया आर्टिकल 16 ये कहता है कि भैया आप अपॉर्चुनिटीज के अंदर भी, अपॉर्चुनिटीज बोले तो क्या, जॉब के अंदर भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। डिस्क्रिमिनेशन समझते हो? अरे भाई सही है, अपना मालूम याद है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब आगे की डिस्कस अब ना करें, बस इसमें जब हम फ्री में बैठेंगे तो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? yes, जब समय आएगा। आर्टिकल 16 हो गया। yes, अब आर्टिकल 17। yes, अबॉलिशन ऑफ अटेंशन। कभी ऐसा हुआ है कि ना कोई तुम्हारा दोस्त हो, सपोज क्या है कि ये भैया है, ठीक है, बचपन में नर्सरी में, ठीक है, आपको नाक आ रही हो और आप उसी नाक से ना, तो आपको लगता तो भाई जो पास वाला बेटा हुआ यू करता रहता है, करता ही नहीं, आज भी करके देख लो, ठीक है, खाना खा लो, ठीक है ना, इतिहास की बात करें तो आप में से ब्राह्मण सीखते हैं, हेलो, ये दो नकली ब्राह्मण कितने हैं, वेश्या इन द सेंस ओबीसी वाले कितने हैं। आज इस क्लास के अंदर सभी एक ही बेंच पे, एक ही टेबल पे और एक ही टीचर से पढ़ रहे हो ना, वही मीटिंग में जो ब्राह्मण से सर्दी है और बात है ना, इसकी ऐसी जो ओबीसी वाले में क्लास कांड कर लो क्योंकि मुझे नहीं जान पसंद नहीं है, तो क्या आप बताओ जो तुम्हारे साथ में भेदभाव करूंगा क्या ये कंट्री डेवलपमेंट के पर्पज से सही रहेगा। गाँव के रिलेटेड बात करें तो गाँव के रिलेटेड भैया एक तरीके से बात करें रिसोर्सेज कम होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, साधन कम होते हैं। जो भैया डेवलपमेंट के साधन होते हैं वो तो भैया अपन कास्ट उठा लेती है, लोअर कास्ट के पास टीका बचता है, कुछ नहीं। तो भैया लोअर कास्ट को एक तरीके से अपीमेंट करना है तो भैया ब्राह्मीण इन द लोअर कास्ट, इनके बीच में छुआ छूत वाला मैटर है, उसको भी मिटाना पड़ेगा, है कि नहीं? आज भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दादा दादी के पास जाना और उनके पास ना किसी ने इंजार वाले को बिठा देना, इंजार इन द सेंस उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं कभी ऐसा को बिठा देना, वो चार बार ना के आएगी, ठीक है ना? अपर कास्ट गाउंड के अंदर जाओगे तो वहां पे भैया जो आपके निकोन होते हैं सुत्रा होंगे, वेश्या होंगे, भले कितने अमीर रहेंगे, ये हमेशा है ना जब बात करने आएंगे किसी अपर कास्ट पे तो हमेशा जमीन पे बैठेंगे, ये होता है, ये छुआ छूत है, ठीक है ना? कभी सुना होगा ना कि ना इस नीच जात ने मुझे छू लिया, अब मैं ना मर जाऊंगा, भैया उसको ऐसे भी बहुत मारा जा रहा था, इस कम्युनिटी के ऊपर बहुत अत्याचार होता था, बिहार के अंदर भी होता था, ये छुआ छूत की बीमारी चल रही थी ना, फिर अभी भी है, तो मुझे भी मालूम है। तो इस छुआछूत की बीमारी को खत्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया कि तो बोल दिया कि भैया यदि किसी ने छुआछूत के नाम पे क्या किया, अनइक्विटी क्रिएट करने की कोशिश करी तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट छुआछूत के बेसिस पे किसी भी तरीके का नियम नहीं बनाएगी, ठीक है ना? अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया ब्राह्मण जो लोग हैं वो बेसिकली क्या है, समाज के सबसे सर्वोत्तम लोग हैं, वाले व्यक्ति कभी भी ना ब्राह्मण से इक्वल बैठेंगे नहीं, तो इस तरीके से तो ये छुआ छूत उन्होंने क्रिएट कर दिया, लड़ दिया ना। yes, अब यदि हम चैप्टर 3 की बात कर ले हिस्ट्री के, तो इंटर ने भी छुआ छूत क्रिएट किया था एंटीसेमिटी का, निपटा ना, भले मटवा तो मैं मरा, मरता तो जरूर, ठीक है ना? तो बच्चा इसी के लिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, अनटचेबिलिटी को डाल दिया किसके अंदर, आर्टिकल 17 के अंदर। नाउ द लास्ट वन आर्टिकल, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, पढ़नी से ना आगे से क्या, बच्चा लोग एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर रहा है,
तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडिंग फादर्स ने बोलते हैं कि भैया जितने भी टाइटल्स लगाते हो सब बंद करो, सिर्फ और सिर्फ जो टाइटल्स लगेंगे वो टाइटल सिर्फ वही लगेंगे, एक मिलिट्री के और दूसरे जो भैया पढ़ाई के अंदर सबसे अच्छे तरीके से क्या करें पढ़ाई करें और पीएचडी के डिग्री दें, जैसे कि आप सुनते हो डॉक्टर ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अभी डॉक्टर इंद्रसेनी फिट फाड़ करते हैं, तो इसलिए किया गया क्योंकि एक और तो इन्हें इसलिए किया गया क्योंकि बच्चा लोग इन्होंने एक कोर सेक्टर एक पढ़ाई के सेक्टर में बहुत ही एक तरीके से क्या किया है अपनी एक तरीके से क्या किया है क्या बोलते हैं अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है ना, अपना लोहा मनवाया अपने फील्ड के अंदर बहुत आगे गए, तो इसके लिए उनको डॉक्टर की उपाधि दी जाती है कि आपको भी डॉक्टर बनना मछली वाला है।